दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बॉबोल्ट ऐप है, जो काफ़ी समय से किसी कारण से बंद था, वो अब चालू हो गया है। लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि वो कैसे चालू होगा, कहाँ से चालू होगा और किस कंडीशन में बॉबोल्ट आप चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉबोल्ट ऐप है, वो किस किस के लिए चालू हुआ है, कैसे उसको हम एक्टिवेट करेंगे, कहाँ पे हमको जाना होगा। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपका चाहे पिन लॉक हो गया है या फिर आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो हर चीज़ का सोल्यूशन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उसको रिसेट करेंगे, अपना बॉबोल्ट फिर से चालू करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो एंड तक। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेनिस। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बॉबोल्ट ऐप जो बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग ऐप है, काफी टाइम से बंद था और ये दोस्तों चालू भी था। चालू उन लोगों के लिए था जिनका बॉबोल्ट पहले से चल रहा था, उनमें कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आई थी। उन लोगों को अपना लॉगिन पिन और ट्रांजेक्शन पिन याद था, उन्होंने अपना सिम या फिर मोबाइल फ़ोन चेंज नहीं किया था, वैसे लोगों का बॉबोल्ट चालू था और वो लोग बॉबोल्ट यूज कर रहे थे। बंद दोस्तों सिर्फ उन लोगों के लिए हुआ था जो लोग अपना पासवर्ड भूल गए हैं किसी भी कारण से, चाहे वो लॉगिन पासवर्ड हो या ट्रांजेक्शन पासवर्ड हो, या फिर उन्होंने अपना फ़ोन चेंज कर लिया था या फिर सिम चेंज कर लिया था। ऐसे कंडीशन में बॉबोल्ट जो था बंद हो गया था और दोबारा बॉबोल्ट एक्टिवेट नहीं हो रहा था। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जो न्यू ऑनबोर्डिंग था बॉबोल्ट ऐप के लिए, वो बंद था। पहले से जो लोग का चालू था वो चालू ही था, वो बंद नहीं था। तो दोस्तों, अब जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है बॉबोल्ट, वो पुनः चालू हो गया है। लेकिन उसमें दोस्तों कंडीशन ये है कि अगर आप अपना पिन भूल गए हैं या फिर फ़ोन चेंज किए हैं, आप लॉगिन पिन भूल गए हैं या फिर ट्रांजेक्शन पिन भूल गए हैं या फिर सिम आप दूसरे फ़ोन में डाल के चला रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में आप जो अपना बॉबोल्ट ऐप है उसको ATM कार्ड के द्वारा ATM मशीन से चालू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी के कंडीशन में आपके पास अपना डेबिट कार्ड होना ज़रूरी है। डेबिट कार्ड के द्वारा ही आप अपने बॉबोल्ट को पुनः ATM मशीन पर जाकर के चालू कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों पहले आपको अपना जो बॉबोल्ट है उसको डी रजिस्टर करना पड़ेगा। डी रजिस्टर करते ही आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका जो बॉबोल्ट है सक्सेसफुली डी रजिस्टर्ड हो गया है। उसके तुरंत बाद आप चाहें तो बॉबोल्ट को फिर से रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही आप बॉबोल्ट को ATM कार्ड के द्वारा ही ATM मशीन से ही जब रजिस्टर्ड कीजिएगा, तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें बॉबोल्ट का एक्टिवेशन की आपको मिल जाएगा। बॉबोल्ट के एक्टिवेशन की दोस्तों मिलने के तुरंत बाद आप जो पहले से ऐप इंस्टॉल करके रखे हैं अपने फ़ोन में बॉबोल्ट का, उसको आप अनइंस्टॉल कर लिए और नया ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसमें एक्टिवेशन की डाल करके जैसे पहले प्रोसेस था बॉबोल्ट को चालू करने के लिए, वैसे आप पुनः लॉगिन पिन और ट्रांजेक्शन पिन बना करके बॉबोल्ट को चालू कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुआ पहला तरीका ATM कार्ड के द्वारा ATM मशीन से। इसके बाद दोस्तों दूसरा तरीका है, वो है नेट बैंकिंग के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग यूजर हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप अपना बॉबोल्ट ऐप जो है उसको चालू कर सकते हैं। उसमें भी दोस्तों प्रोसेस सेम है, पहले आपको डी रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर से बॉबोल्ट का रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक्टिवेशन किया जाएगा और एक्टिवेशन किए आने के बाद ही आप पुनः ऐप अनइंस्टॉल करके और प्ले स्टोर से दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना बॉबोल्ट ऐप को चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल दो ही तरीक़े से बॉबोल्ट ऐप चालू कर सकते हैं। इसमें जो तीसरा तरीका था, जो ब्रांच के द्वारा हम सिंपल एक फॉर्म भर के बॉबोल्ट को चालू कर सकते थे, वो फ़िलहाल अभी चालू नहीं हुआ है। उसमें आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वो भी सर्विस आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। उसमें आपको ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही नेट बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपली आप बैंक जा करके एक पेज का बॉबोल्ट का फॉर्म जैसे आप पहले भरते थे उस तरीके से फॉर्म भर करके ब्रांच के द्वारा भी बॉबोल्ट को चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बॉबोल्ट के बारे में, जो कि एक लेटेस्ट अपडेट थी। बॉबोल्ट चालू हो गया है आपका, आप उसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेनिथ।